नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लखनऊ से। प्रधानमंत्री सड़क योजना में गड़बड़ी सामने आई है, ये बड़ी खबर आपको बता रही। जहां जीरो टॉलरेंस नीति को ठेंगा दिखा रहे अधिकारी, ये तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। निर्माण कार्य में गड़बड़ी का वीडियो सामने आया है, लखनऊ की ये पूरी जानकारी बताई जा रही है। जहां हाथ से उखड़ने लगी योजना के तहत बनी सड़क, और ये तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सड़क जो है वो हाथ से ही उखड़कर सामने आ रही है। इसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि एफटीआर तकनीक से बनने वाली सड़क की ये पोल खुलती हुई नजर आई, हाथ से सड़क को उखाड़ते हुए ये वीडियो भी सामने आया है। लखनऊ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एफटीआर तकनीक से बनने वाली सड़क की पोल यहां पर खुली है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंकुश जायसवाल हमारे साथ जुड़ गया। अंकुश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत ये सड़क बनाई गई और अब इसमें इतनी बड़ी गड़बड़ी कि हाथ से सड़क उखड़ने लगी है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, ये बाराबंकी का मामला है पूरा, जहां ये सड़क निर्माण कार्य चल रहा है और ये ग्रामीण अभियंत्रण विभाग है जिसके द्वारा जो है इसका काम किया जा रहा है। एफटीआर तकनीक से ये सड़क बनाई जा रही थी और ये बाराबंकी के त्रिवेदीगंज के मकनपुर मौलाबाद सड़क का मामला है, जहां पर ये निर्माणाधीन काम चल रहा है। इसमें सड़क एक तरफ बन रही है और दूसरी तरफ वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि किस तरीके से एक लड़का बैठ के जो है जमीन की परत जो सड़क बनाई गई है उसकी परत को उखाड़ रहा है और बड़ी आसानी से वो पूरी परत उखड़ती जा रही है। बिल्कुल अंकुश, ये भी जानना चाहेंगे जिस तरीके से ये पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, क्या अभी तक अधिकारियों की ओर से इस वीडियो का संज्ञान लिया गया है और इस पूरे मामले पर आखिर किसकी लापरवाही मानी जाए? देखिए, इसमें इस पूरे मामले में लापरवाही जो बाराबंकी के एक्सीएम है ज्ञानेन्द्र मौर्य, वो काफी समय से बाराबंकी में तैनात है और वो अपने आप को जिस तरीके से जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से कि वो अपने आप को यहाँ के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो उनको बताते हैं कि वो हमारे मामा हैं और इस वजह से वो बेखौफ होकर के धड़ल्ले से भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि आने वाले दो चार और जिले भी वो आने वाले समय में ले लेंगे, वहाँ के भी एक्सचेंज बन जाएंगे। तो उस तरीके की जो है उनके हौसले बुलंद है, इस तरीके से वो भ्रष्टाचार लगातार करते जा रहे हैं। हालांकि मामला सामने आया है, उसका संज्ञान ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के जो डायरेक्टर उन्होंने लिया है और इसकी एक जांच समिति बनाई है जो इसकी जांच करेगी। बिल्कुल अंकुश, जिस तरीके से अभी पूरा मामला सामने आया है, इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से हाथ से ये सड़क जो है उखड़ रही है, ऐसे में आने वाले समय में जो आगे सड़क इस योजना के तहत बनाई जा रही है उसमें भी इसी तरीके की लापरवाही देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर के लगातार अपने जो अधिकारी हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर लगातार निर्देश देते हैं कि जीरो टॉलरेंस नीति को अपनाया जाए, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो उनकी उम्मीदों को पलीता लगाने में जुटे हुए हैं। उसी में से एक ये एक्सीएन साहब है जो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग में तैनात है और बाराबंकी में इस वक्त है, उन्हीं के देखरेख में ये सड़क बन रही है। इससे पहले भी इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं, हालांकि मामला अब जो है सामने आया है तो इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जांच के बाद कितनी कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ की ये पूरी जानकारी सामने आ रही, जहां बाराबंकी का ये मामला बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण किया गया, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा सकती है, क्योंकि किस तरीके से एफटीआर तकनीक से बनने वाली सड़क हाथ से उखड़कर सामने आ रही है और अभी वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस मामले पर अब संज्ञान लिया गया और इस पूरे मामले में जो भी लापरवाही अधिकारी करते नजर आएंगे उन पर सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही है। तो उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय पर नौकरी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे मृतक आश्रितों के सब्र का बांध टूटता जा रहा है। भीषण गर्मी के कारण रोज कई लोग बीमार भी पड़ रहे हैं और ऐसे में मृतक आश्रित जॉब नहीं मिलने पर जहर देने की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, लखनऊ से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा की खास रिपोर्ट देखिए।
एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में जो है यूपी में जो स्थिति हुई है इसके बाद गंभीरता से उन्होंने जो नियुक्तियां थी उसको लोग गंभीर रूप से अख्तियार किया और विभागों से कहा कि जो जगहें हैं वो भर दी जाएं, खाली जगहें भरी जाएं, क्योंकि सपा ने इंडिया गठबंधन ने यही मुद्दा उठाया था कि 80 लाख जो है देश में पद सरकारी खाली हैं और नहीं भरे जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ स्थिति क्या, परिवहन निगम यूपी गवर्नमेंट का निगम है और ये निगम ऐसा है जिसमें करीब 1100 लोग जो है मृतक आशी जिनके परिवार हो चुकी है और उनकी जगह पर नियुक्ति की 2018 से इंतजार कर रहे हैं। वो 1100 लोग उन्हें वादे पे वादे उनसे किए जा रहे हैं लेकिन उनकी भर्ती कोई प्रक्रिया नहीं हुई। मजबूरी में अब कई दिनों से यहाँ लोग धरने बैठ गए हैं और धरने बैठ करके अपनी मांग पर मान रहे हैं। अब मैं उन्हीं से जानूं क्या समस्या है। हाँ बताएं क्या दिक्कत है और क्या मामला है सर? मामला है हम सब मृतक आश्रित हैं, पूरे 75 जिलों से आए हैं। हम सभी परिवहन निगम में मृतक आश्रित हैं। हमारे फादर इसमें जॉब करते थे। हम 5 साल से भटक रहे हैं। 2018 से मृतक आश्रित की नियुक्ति नहीं हुई है। हम सर इसीलिए हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो मैडम क्या है, आप लोग कब से धरना दे रहे हो, क्या आप लोगों का उद्देश्य है? सर हम लोग के 3रा दिन आज है। 3 दिन से हम लोग आप धूप में बैठे हैं और कोई सुनवाई नहीं। अंदर से बस आते हैं लोग, देख कर चले जाते हैं, पूछते हैं आप लोग, ये परिवहन मंत्री भी आए थे। 11 बजे रात तक हम लोग धूप में 11 बजे रात तक वेट किए। 11 बजे के बाद आए और निकले और उल्टा सीधा हम लोग बोल रहे हैं बोलकर निकल गए। कोई आश्वासन ना, कोई दिलासा, कुछ नहीं। इससे पहले बोले थे कि हम लोग आएंगे तो आप लोग की पूरी कहानी होगी, उसके बाद अब की बार आए हैं तो कोई कुछ दिलासा ना आशा कुछ नहीं। उनके कहने पर ही कि हम लोग यहाँ आए इस बार। एक ये मुख्यमंत्री जनता दरबार में लोगों से मिल रहे हैं, आज भी जनता दरबार में लोग मिले, तो क्या आप लोग जनता दरबार में जाकर के वहाँ से समस्या रखेंगे? मिले थे योगी जी से जनता दरबार, गोरखपुर जनता दरबार में मिले थे, आश्वासन देकर वो भी कुछ नहीं बोले। हम मिले थे योगी जी से जनता दरबार में गोरखपुर, एप्लीकेशन भी दिए सर हमने, एप्लीकेशन भी दिया जनता दरबार में, लेकिन अभी तक वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। आपने जी सर हमारे भी मतलब एप्लीकेशन हुई है जन सुनवाई पे। तो देखिए लोग जो यहाँ तक जो जितने फोरम हैं, चाहे परिवहन निगम, यहाँ एमडी खुद बैठते हैं, परिवहन मंत्री कल खुद इनके पास आए थे और मुख्यमंत्री जनता दरबार में भी लोग गए। जनता दरबार सबसे अंतिम सीढ़ी है कि जहाँ पे जाने के बाद फिर कोई सीढ़ी नहीं बचती है कि मुख्यमंत्री सीधे मुलाकात हो गई, उसके बाद इनके पास अब कोई रास्ता नहीं है कि जनता दरबार के बाद भी कहीं जा सकें। फिर दूसरी तरफ जो है जब जनता दरबार में जब गए तो मुख्यमंत्री के यहाँ उनको भरोसा दिया गया कि आपकी समस्या दूर की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई समस्या दूर नहीं हो सकी है। अब देखना यह है कि जो है जो सीएम लगातार कह रहे हैं खाली जगहें भरी जाएं और मृतक आश्रित जो है यह जेन्यून पोस्टें हैं कि मृतक आश्रित की हमेशा भर्ती होती रही है, तो अब मृतक आश्रित की अगर भर्ती नहीं होती है तो इसके पीछे किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन जिम्मेदारी है, जिससे लगातार लोग कन्नी काट रहे हैं और 1100 से लोग जो है परेशान घूम रहे हैं, जिनके परिवार का अपना जो है अस्तित्व खोया ही है, अब उनको नौकरी भी नहीं मिल रही है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। एक तरफ तो वही मृतक आश्रितों के धरना प्रदर्शन और रोडवेज में सुविधाओं को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक मासूम अली सरफर से हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने खास बातचीत की है, ये रिपोर्ट देखिए। निगम में अरसे से जो है करीब जो है 7 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं मृतक आश्रित भर्तियों को, उसको लोग धरना भी दे रहे हैं और तमाम कई मुद्दे भी हैं। इस पर जो है मासूम अली सरवर जी एमडी हमारे साथ हैं, मैं उन्हें जानना चाहूँगा सर कैसे जो है इनकी समस्या निराकरण होगा। देखिए मैं आपके माध्यम से सभी मृतक आश्रितों और सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मृतक आश्रित की जो भी नियुक्ति की प्रक्रिया है एक निर्धारित प्रक्रिया है। 2004 का शासनादेश जो सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो का है वो बड़ा स्पष्ट है कि कोई भी निगम हो, संघ हो, जब तक के वो लाभ की स्थिति में नहीं रहेगा तब तक मृतक आश्रितों के बारे में नियुक्ति के विषय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो आप जानते हैं कि लगभग पिछले कुछ वर्षों से निगम हानि में था और इसी बीच में कोविड की स्थिति भी आ गई थी, इस कारण से पिछले 5-6 वर्षों में निगम में मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है, इस वर्ष जो हमारा आय का, इनकम का, जो भी हमारी जो आमदनी हुई है उसका हम लोग आकलन कर रहे हैं, उसकी मेरे ख्याल में 31 जुलाई तक उसका ऑडिट हो जाएगा और उसके बाद जो स्थिति रहेगी इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब मैं आपको बता दूं कि माननीय मंत्री जी ने पिछली बार कैबिनेट तक इस प्रस्ताव को ले गए थे,
चूंकि वो एक शासनादेश है और निगम अकेला निगम नहीं है, प्रदेश में बहुत सारे निगम हैं, संघ हैं, तो वहाँ पर सब में एक रूपता लाने के लिए एक शासनादेश है, उस शासनादेश के अनुसार ही कार्रवाई की जा सकती है। तो इसमें लगातार आगे कार्रवाई चल रही है। मैं सभी से यही कहूँगा कि एक निर्धारित प्रक्रिया है, उसका पालन शासन को भी करना है, निगम को भी करना है, हम सभी एक निर्धारित व्यवस्था में काम करते हैं। अजी यदि उसमें निश्चित तौर पे उन लोगों का कहना भी सही है कि भाई कई वर्ष हो गए उनकी नियुक्ति नहीं हो पाई है, लेकिन फिर मैं कहूँगा कि उसकी एक तरीका है। अगर कोई आदमी ये कहे कि नहीं हम नियुक्ति ले करके जाएंगे तो ये भी उचित नहीं है। अगर निगम फायदे में आता है तो क्या इनकी जो भर्तियाँ होंगी? मैं बता तो रहा हूँ कि हमारे जो माननीय परिवहन मंत्री जी थे, उन्होंने जब निगम हानि में था तब भी उन्होंने बहुत प्रयास किया था, लेकिन एक चूंकि मैंने बताया कि निर्धारित प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का पालन करते हुए आगे कार्रवाई की जानी है। यदि निगम लाभ में रहेगा तो जो भी हमारी शासनादेश की व्यवस्था है उस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर कई बार मैं देख रहा हूँ कंडक्टर पकड़े जाते हैं, ज़्यादा जो मानक है उससे ज़्यादा भी टिकट उनके भी टिकट मिलते हैं, तो ऐसे में एक्शन परिवहन निगम क्या कर रहा है? परिवहन निगम एक व्यावसायिक संस्था है और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी रहे। वित्तीय स्थिति अच्छी रहेगी तो जैसा अभी आपने मृतक आश्रितों के बारे में पूछा, हमारा पूरे जो व्यवस्था है, 50,000 कर्मचारी हैं हमारे, उन सब की तनख्वाह है, उन सब का परिवार है, इन सब चीज़ों पर पूरी जो भी चीज़ें निर्भर हैं वो इस बात पर निर्भर है कि हमारी वित्तीय स्थिति अच्छी रहे। इसमें WT के जो प्रकरण हैं वो हमारे आय पर बहुत ही कुठाराघात करते हैं, इसके लिए लगातार कार्रवाई चलती है। अभी मुख्यालय स्तर से भी जो भी हमारी टीम है, जो हमारे एनफोर्समेंट के लोग हैं, वो क्षेत्रों में निकले हैं, बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि जहां पर भी WT के बड़े प्रकरण पकड़े जाएंगे उसमें जो भी जिम्मेदार होंगे, न केवल ARM बल्कि जो ट्रैफिक संबंधित ट्रैफिक इंस्पेक्टर होंगे उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और लगातार बड़े स्तर पर भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर, न केवल ट्रैफिक इंस्पेक्टर बल्कि ARM और RM के विरुद्ध भी कार्रवाइयाँ हुई हैं। एक अभी झांसी का मामला आया था, 28 लाख रुपए लेकर के गार्ड चला गया, क्या ऐसे ही स्थिति कैसे आती है कि इतना पैसा रोडवेज के इस तरह लोग लेकर चले जाते हैं? इसमें मेरी जो जिले के SP हैं उनसे भी मेरी बात हुई है और इसमें बैंक के स्तर पर भी लापरवाही हुई है, जो निगम के स्तर पर भी लापरवाही हुई है, इसमें लगातार कार्रवाई की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि इस तरह से यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री जी के बड़े सख्त निर्देश हैं कि इस तरह के प्रकरण में क्या कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित तौर पे ऐसी ही कार्रवाई की जाएगी जिससे कि आगे के लिए भी एक नज़ीर बने। 1 करोड़ का भी तो गर्मी चल रही है, अभी कई 4-5 कर्मचारियों की डेथ भी हो गई आपके, तो ये तो खैर शोक की बात है, लेकिन इतना जरूर कहूँ अब उनके लिए अब भविष्य में क्या कर रहे हैं कि लोग दिक्कत में ना आए, उनको जो इस तरह लू से या गर्मी से उनकी मौत ना हो। पर्यावरण परिवर्तन सभी के लिए एक चिंता का विषय है और इसके लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं, इसीलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास किया है और आगे भी कर रहे हैं। हमारे जो परिवहन कर्मी हैं वही हमारे सबसे मजबूत दृढ़ आधार हैं, अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी परिवहन निगम आगे बढ़ेगा, अच्छे से सुचारू रूप से संचालित होगा जिससे कि लोगों को लाभ मिल सके। अभी कई दुखद घटनाएं हुई हैं जिसमें हम लोगों ने कई कीमती जानें खोई हैं, इसके लिए हम लोगों ने एक सर्कुलर निकाला है कि पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो, पर्याप्त उनके आराम की व्यवस्था हो जिससे कि अनावश्यक किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो मौसम है उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे स्तर से जो क्षेत्र के लेवल पे चाहे वो RM हो ARM हो उन सबको निर्देशित किया गया है कि उनकी भी सुविधा एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। थैंक यू। तो ऐसे मासूम अली सरवाई का सीधे से कहना है कि मृतक आश्रित के मामले में जब निगम फायदे में आएगा तभी इनकी भर्ती संभव है, अन्यथा जो है जब तक निगम फायदे में नहीं आएगा तब तक भर्ती होना संभव नहीं। दूसरी तरफ जहाँ लू और गर्मी की बात है तो इसको लेकर के उनका सीधे निर्देश है कि कंडक्टर्स और ड्राइवर्स को ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए, उनके लिए जो है इलेक्ट्रॉल की व्यवस्था की जाए और ये सारी जिम्मेदारी लोकल स्तर पर निभाई जाएगी। कैमरा पर्सन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और चलिए अब ताबड़तोड़ अंदाज में रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। ललितपुर में पुलिस ने आरोपियों पर नहीं की कार्रवाई, पीड़ित ने खाया जहर, युवक की हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज। कानपुर में 65 वर्षीय बुजुर्ग ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार, मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किया गिरफ्तार।
एटा में दो शातिर साइबर ठग चढ़े, एटा पुलिस के हाथ से नकदी, दो मोबाइल फोन और बैंक के खाते से 40,000 रुपए किए बरामद। देवरिया में आक्रोशित अधिवक्ताओं ने की जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की पिटाई, घटना के बाद शुद्ध कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों ने अपने कार्यालय में किया तालाबंद, कचहरी का कामकाज हुआ ठप। बहराइश में चोरी की दो मोटरसाइकिल के साथ शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, इंडो नेपाल सीमा क्षेत्र के थाना रुपई डीहा का मामला। लखनऊ में वीआईपी कल्चर के खिलाफ चला लखनऊ पुलिस और ट्रैफिक पुलिस काउंटर, हजरतगंज चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस ने चलाया अभियान, कई वाहनों का किया चालान। फतेहपुर में मामूली बात पर कार सवार और बाइक चालक के बीच जमकर मारपीट, बीच बचाव में आई महिला को भी पीटा, सदर कोतवाली के पत्थर काटा चौराहे का मामला। एटा में एचटी लाइन की चपेट में आने से चार बच्चे गंभीर रूप से झुलसे, परिजनों ने बताया बहुत नीचे थी एचटी लाइन, विद्युत विभाग को कई बार कराया गया अवगत। लखनऊ में राहुल गांधी के जन्मदिन पर बांटा गया शरबत, भीषण गर्मी को देखते हुए केक ना काट राहगीरों में बांटा गया शरबत। मुजफ्फरनगर में फर्जी दस्तावेज बनाने का मामला, फर्जी तरीके से अभियुक्तों की जमानत कराने वाले तीन शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पीलीभीत में नगर पालिका की कार्यशैली पर उठे कई सवाल, 10 दिन में ही सड़क हो रही खराब, सभासदों ने कहा मुख्यमंत्री से की जाएगी भ्रष्टाचार की शिकायत। प्रतापगढ़ में यातायात विभाग ने चलाया सघन अभियान, भकवा चुंगी चौराहे पर दर्जनों गाड़ियों पर की गई कार्रवाई। सीतापुर में एसडीएम का कोर्ट बना खड़ा, महिला एसडीएम ने वकीलों को कहा आओ दिखाओ हाथ उठाकर, वकील कहा था अगर कोई काम नहीं करेगा तो हम देंगे सुधार। कानपुर देहात में सड़क किनारे मिट्टी डाल रहे डंपर के चलते लगा लंबा जाम, जाम में फंसी 108 एम्बुलेंस, तड़पता रहा मरीज, जाम में फंसी एम्बुलेंस चालक ने वीडियो बनाकर किया वायरल। बागपत में शराब पी रहे लोगों के जरिए पथराव और मारपीट का मामला, पुलिस ने हिस्ट्री शीटर सहित तीन लोगों को किया गिरफ्तार, एक तमंचा भी किया गया बरामद। बदायूं में विधायक हरीश शाकिया के पीआरओ सत्यदेव श्रीवास्तव ने की फेसबुक अकाउंट पोस्ट, मुख्यमंत्री के लिए अभद्र और अमर्यादित भाषा का किया इस्तेमाल। आगरा में चंबल नदी में दोस्तों के साथ नहाने आया युवक नदी में डूबा, सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में विस्फोट, गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। गाजीपुर में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, हीट स्ट्रोक और लू से लोग बेहाल, अस्पतालों में मरीजों की भारी भीड़, पिछले 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। बुलंदशहर में सामान उधार न देने पर दुकानदार को जमकर पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, हमलावरों ने दुकानदार के परिवार की महिलाओं से भी की मारपीट। श्रावस्ती में एक बार फिर गर्जा बाबा का बुलडोजर, नेशनल हाईवे 730 सड़क किनारे बने 2 दर्जन से अधिक मकान और दुकानों को किया गया ध्वस्त। बुलंदशहर में नाबालिग की रेप के बाद हत्या, नाबालिग किशोरी पशुओं का चारा लेने के लिए जंगल में गई थी, जंगल में रेप के बाद की गई मासूम की हत्या। अमरोहा में झूठ को लेकर हुआ दो पक्षों में विवाद, पथराव से शहर में फैली दहशत, राहगीरों ने दुकान में छिपकर बचाई जान। अमेठी में मामूली बात को लेकर हुई कहासुनी में हुआ खूनी संघर्ष, दबंग बदमाश ने युवक को मारी गोली, हाथ में गोली लगने से युवक हुआ घायल। प्रतापगढ़ में संदिग्ध हालत में कुएं में युवक का मिला शव, 3 दिन पहले घर से गायब हुआ था युवक, परिजनों ने हत्या का लगाया आरोप।
फर्रुखाबाद में गंगा में पड़ा मिला ज्ञात युवक का शव, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की जांच पड़ताल। झांसी के ढिकोली गांव में आंधी की वजह से दो मकान गिरे, आधा दर्जन लोग घायल, इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। अलीगढ़ में युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला, घटना से शहर में लागू हुआ सेक्टर स्कीम, ड्रोन कैमरे से की जा रही पूरे इलाके की निगरानी। लगी आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, बड़ा नुकसान होने से बचा। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए।